दोस्तों आज मोदी जी राजस्थान में सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं और एक नहीं दो दो सभाएं मोदी जी की, एक तो राजस्थान के अंदर, दूसरा जैसलमेर के अंदर। वो जैसलमेर में आज रोड शो करने वाले हैं क्योंकि परसों चुनाव है राजस्थान में, और इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री कोई कोर कसर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। हर तरह से मौका जो है अपने नाम करना चाहते हैं, अपने पार्टी के नाम करना चाहते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेनस्ट्रीम मीडिया ओपिनियन पोल्स यही कह रहा है कि बीजेपी यहां पर विजय है, विजय बनती हुई नजर आ रही है। जनता की पहली पसंद जो है राजस्थान के लोगों की, वो भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा मेनस्ट्रीम मीडिया के हवाले से खबर बताया जा रहा है। लेकिन एक और ओपिनियन पोल होता है, उसमें यह पूछा जाता है कि आपको सबसे अच्छे सीएम कैंडिडेट राजस्थान के लिए कौन लगते हैं। तो हमेशा की तरह राजस्थान की जनता का ओपिनियन पोल है कि अशोक गहलोत, जिसे जादूगर भी कहा जाता है, उनको लेकर जनता के मन में कोई डॉट नहीं है कि वो एज अ सीएम राजस्थान के लिए 110% सही सीएम साबित हुए हैं, भले ही विधायकों से नाराजगी हो जनता की। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट है, कोई लाग लपेट करके बातें नहीं कर रही हूँ, सीधी बातें कर रही हूँ कि अशोक गहलोत के कैबिनेट मंत्रियों से लोगों की नाराजगी है, लेकिन अशोक गहलोत से वहां की जनता को कोई नाराजगी नहीं है, ये फैक्ट है। और इसी को प्रधानमंत्री एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हुए नजर आ रहे हैं और जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। लेकिन आज हुआ ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री की रैली में कांग्रेस को वोट देने की बात कर रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री की जनसभा में कांग्रेस के लोगों को वोट देने की बात की जा रही है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कांग्रेस इस मौके को लपक कर पकड़ लिया है और वो शेयर करते हुए नजर आ रही है कि देखिए ये हाल है प्रधानमंत्री के रैली में, कि लोग जा रहे हैं सुनने प्रधानमंत्री को, पट्टा वट्टा बीजेपी का, लेकिन जैसे ही मीडिया वालों से बात कर रहे तो कह रहे हैं हम तो बस कॉलेज से आए थे, हमने सोचा रैली में चले जाए, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप वोट किसको दीजिएगा तो वो कहते हैं कांग्रेस को। तो ये सच्चाई, ये असलियत नजर आ रही है कि लोग मोदी जी को सुनने तो जा रहे हैं लेकिन वोट के मामले में वो सीधे एक टुक जो है जवाब दे रहे हैं कि हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को ही हम जिताएंगे, विजय बनाएंगे। ये स्थिति है राजस्थान में। हालांकि प्रधानमंत्री की इससे पहले भरतपुर में जो रैली थी वहां पर खाली कुर्सियों का वीडियो कांग्रेस की तरफ से शेयर करते हुए कहा गया कि देखिए कांग्रेस जो है किस तरीके से आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि मोदी जी का क्रेज खत्म हो चुका है, मोदी जी अब पूरी तरीके से जो है अपना मैजिक खोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी मैजिक कहीं पर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों कल भी रात में आपने देखा प्रधानमंत्री को ट्रोलर्स ने किस तरीके से ट्रोल किया था वर्ल्ड कप हारने की वजह से। जी हाँ, वर्ल्ड कप जैसे ही इंडिया हारी प्रधानमंत्री को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि ये सही नहीं, हार जीत होती रहती है, लेकिन किसी को ट्रोल करना ये मतलब ऐसा हो गया है कि किसी ना किसी चीज को लेकर जैसे बीजेपी अपॉर्चुनिटी जो है हाथ से जाने नहीं देती है कि प्रधानमंत्री ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही उनके विरोधी जो है उनको लेकर कोई भी मौका छोड़ती नहीं है कि प्रधानमंत्री को लेकर निशाना ना साधा जाए। तो ये हाल है इस वक्त प्रधानमंत्री को लेकर कि उनके विरोधी उनको ट्रोल कर रहे हैं, जैसे बीजेपी उनको महान बनाती है तो ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल करते हैं। लेकिन आज जो राजस्थान में देखने को मिला वो बिल्कुल अचंभित करने वाला है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस को लेकर जो जय जयकार का नारा लग रहा है वो भी प्रधानमंत्री के रैली में, ये बीजेपी को सन्नाटे में डाल सकता है कि आखिर चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उसी जीत के दावे के बीच उनके रैली में इस तरीके का बयान सामने आ जाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।